क्या आप मियां मोहम्मद मंशा को जानते हैं? ये पाकिस्तान के सबसे बड़े कारोबारी मियां मोहम्मद मंशा ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उनके दावे के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बातचीत जारी है और उनके पास इस बातचीत की जानकारी मौजूद है। मंशा का कहना है कि अगर दोनों देशों के रिश्ते सुधर जाते हैं तो एक महीने के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा कर सकेंगे। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा एस्ट्रोनॉट खोजा है जो ना जाने कितने हजारों या लाखों साल से धरती के साथ सूर्य के चक्कर लगा रहा था। इस खोज से धरती को एक अंतरिक्ष में नया पड़ोसी मिल गया। इस 1.2 किलोमीटर चौड़े एस्ट्रोनॉट को ट्रोजन एस्ट्रोनॉट कहा जा रहा है। अनुमान के मुताबिक ये आने वाले कम से कम 4000 सालों तक पृथ्वी के पथ पर ही सूरज के चक्कर लगाता रहेगा। उज्बेकिस्तान की राजधानी तशकंद से एक खौफनाक वीडियो सामने आई है। यहाँ के नेशनल जू में एक माँ ने अपनी 3 साल की बेटी को भालू के भाड़े में फेंक दिया। ये भाड़ा या कहीं खाई करीब 16 फीट की गहरी थी। इसके बावजूद बच्ची बच गई। हालांकि उसे हल्की चोटें आई है और अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पुलिस ने आरोपी माँ को गिरफ्तार करा। बताया जा रहा है कि माँ की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। गुरुवार को सीरिया में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया। आपको बता दें, ये ऑपरेशन अमेरिकी एयरफोर्स कमांडोस और रीपर ड्रोन्स के द्वारा किया गया। इसमें इस्लामिक स्टेट का कमांडर इब्राहिम अल हाशमी को मार दिया गया। 2019 में इसी तरीके से एक और ऑपरेशन किया गया था। ये ऑपरेशन IES के सरगाना अबू बकर अल बगदादी को मारने के लिए किया था। इसके पहले अलकायदा सरगाना ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने पाकिस्तान के एबडाबाद में 2011 में मारा था। आइए जान लेते हैं क्या है कोविड के हाल देश दुनिया में। दुनिया में बीते दिन 30.65 लाख नए कोविड केसेस आए हैं। इनमें 24.02 लाख लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 11,310 लोगों की मौत हो गई। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए सी लॉट न्यूज के साथ।